सो हे गाइस, सो गाइस एक्ट्रेस तुनिसा शर्मा के आत्महत्या के मामले में सीजान खान को अरेस्ट कर लिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि तुनिसा शर्मा ने आत्महत्या सीजान खान की वजह से ही की है। तुनिसा शर्मा की जो माँ है उनका आरोप है कि सीजान खान ने मेरी बेटी को आत्महत्या करने के लिए उकसाया होगा और इसलिए मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। तुनिसा शर्मा की माँ ने बताया कि ये दोनों पहले गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे, दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन हाल ही में कुछ दिन पहले इन दोनों का ब्रेकअप हुआ, जिसके बाद से ही तुनिसा शर्मा बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। तुनिसा शर्मा की माँ ने कि ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे और इस तरह से ब्रेकअप होने के बाद तुनिसा शर्मा काफी ज्यादा सैड भी रहती थी। और खबरों के मुताबिक दोस्तों तुनिसा शर्मा ने एक्टर सीजान खान का जो वैनिटी वैन होता है जहां पर वो तैयार होते हैं वहीं पे जा करके तुनिसा शर्मा ने अपने आप को पंखे से लटका करके अपनी आत्महत्या कर ली। वहीं दोस्तों इस केस को अब लव जिहाद से भी जोड़ करके देखा जा रहा है क्योंकि लड़की हिंदू है और लड़का मुसलमान है, तो कई लोगों का कहना ये है कि ये एक पूरा लव जिहाद का मामला है। फिलहाल दोस्तों अभी सीजान खान पुलिस के गिरफ्त में है और उनको 4 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भी रखा गया है जहां पर उनसे इस मामले में पूरी अच्छी तरह से पूछताछ होगी। वही दोस्तों आप लोगों को बता दें कि सीजान खान के मोबाइल को और तुनिसा शर्मा के मोबाइल को भी पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है और अब उसकी भी वो जांच पड़ताल करेंगे। वही दोस्तों सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि सीजान खान किसी और को पसंद करने लग गया था, इसलिए उसने तुनिसा शर्मा से ब्रेकअप कर लिया था, जिसके बाद तुनिसा शर्मा काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। फिलहाल दोस्तों इस मैटर को लेकर अभी इतनी अपडेट निकल के आई है, तो इतना ही मैं आप लोगों को बता सकता हूं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग इस मैटर के ऊपर आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।